जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ सभी मेरे मित्रगण अच्छे होंगे। दरअसल दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घर पे एक अटैक हुआ है और इस अटैक की वीडियो सीधे रशिया से निकल के सामने आ रही है और मैं आप सभी मित्रगणों को इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले आप इस छोटी सी वीडियो क्लिप को देख लीजिए, उसके बाद मैं सारी घटनाक्रम के बारे में आपको विस्तार से बताता हूं। जैसा कि इस वीडियो के माध्यम से भी आप देख पा रहे होंगे, लेफ्ट साइड से कोई चीज आती है और इस महल का जो डोम है यानी कि गुंबद टाइप है उसके ऊपर आके फट जाती है। आप सभी मित्रगणों को बताना चाहूंगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक ड्रोन है और ये जहां जाकर फटा है ये क्रेमलिन इलाका है। अब जो लोग नहीं जानते क्रेमलिन क्या है, क्रेमलिन एक रशियन शब्द है। इसका मतलब होता है फोर्ट इन सेंटर ऑन सिटी, यानी कि शहर के बीचों बीच स्थित एक किला। आपको बताना चाहूंगा मैप के माध्यम से भी, असल में ये एक किला है जो रशिया की राजधानी मॉस्को के बीचों बीच में स्थित है। और आप सभी मित्रगण को बताना चाहूंगा, करीब 13वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण किया गया, यानी कि मौजूदा समय से लगभग 750 साल पहले। आपको बताना चाहूंगा, रशिया में जितने भी राजा है जिन्हें जार के नाम से जाना जाता था, वो क्रेमलिन के इस किले को ही अपना ऑफिशियल महल और कार्यालय भी बनाते थे। और सेम इसी प्रथा को रशिया के लीडरों ने, रशिया के तानाशाहों ने और रशिया के मौजूदा लीडर व्लादिमीर पुतिन ने भी इसे ही अपना किला और अपना ऑफिशियल स्थान बनाया। और आपको बताना चाहूंगा, सोवियत संघ टूट के जब भी रशिया के रूप में अस्तित्व में आया, तब से लेके अभी तक रशिया के जितने भी ऑफिशियल कार्यालय है, जितने भी बड़े बड़े दफ्तर है, सारे क्रेमलिन के अंदर ही है। और रशिया के इतिहास में पहली बार इस इमारत के ऊपर ड्रोन अटैक हुआ है। बाकी इससे रिलेटेड जो भी जेन्युइन खबर निकलकर सामने आएगी, मैं आप सभी मित्रगणों को जरूर बताऊंगा वीडियो के माध्यम से। बाकी इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर मैं बारीकी से नजरें बनाए हुए हूं। सारी खबरों को जल्द से जल्द जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।